जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर डूइंग गुड। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट। आपने नोट डाउन किया होगा कि मैं हमेशा से एक चीज़ मेक श्योर करती हूँ कि आपने डेडिकेशन, परसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी से काम करना है। तो वो किस तरह आप अपनी कंसिस्टेंसी को जो है वो रिटेन रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं, इस वीडियो में इंशाल्लाह आज इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। देखिए, जैसे कि कंसिस्टेंसी, अब देखिए नेवर ब्रेक, आप अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक ना होने दें। अब देखिए, हर्डल्स एंड बैरियर्स ये सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं है, ये हर एक की लाइफ में जो है हर्डल्स या बैरियर्स जो है हमें फेस करना पड़ते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे कि हशाम सरवर हैं, और मुझे उनका पॉइंट बहुत अच्छा लगा, वो कहते हैं कि अगर आपने कंसिस्टेंसी को अपनी जो है कंसिस्टेंसी को रिटेन रखना है तो आप अपने आप को सज़ा दें, ठीक है। आप देखें, अगर टारगेट के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, मैंने प्रीवियस वीडियो में इस चीज़ को हाईलाइट भी किया था कि आप टारगेट के अकॉर्डिंग चला करें। फॉर एग्जांपल जी, आपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इतने टाइम में मैंने ये काम करना है, इतने टाइम में मैं इस तरह से, यानी कि सुबह ही आप अपना ना प्लान डे का बना लिया करें, उसके अकॉर्डिंग फिर आप यानी कि मूव ऑन किया करें। मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह ही मैंने जो है वो टारगेट सेट कर लेना होता है कि इतने टाइम में मैंने ये काम जो है असाइन करना है। तो डेफिनेटली उस तरीके से काम करने का मज़ा भी आता है और पता भी नहीं चलता कितना काम बंदा कवर कर लेता है। तो जैसे कि सर हशाम सर भी कहते हैं कि अपने आप को सज़ा दें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने वो टारगेट एक दिन के अंदर कंप्लीट नहीं किया तो आप अपने आप को उस दिन रात को रोटी ना खाएं, आप खाना ना खाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरे दिन वो टारगेट किस तरह से कंप्लीट होता है। तो ये चीज़ें बहुत नोट डाउन करने वाली होती हैं और इनको ज़रूर मेक श्योर किया करें। देखें, आपने देखा जैसे कि मैं आपको मेक श्योर करती हूँ कि योर नेक्स्ट डोर कंपेटिटर हैव अ हैंड्स ऑन एंड हैव अ गुड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस विद अ गुड पोर्टफोलियो। तो डेफिनेटली कंपटीशन बहुत हाई है और उसके अकॉर्डिंग अगर आपने चलना है तो आपको इन चीज़ों को मेक श्योर करना होगा कि हमने किस तरह से डबल डबल मेहनत आपको करनी होगी। अब इसमें देखिए, मैं स्टूडेंट को डीमोटिवेट नहीं होने देती। अगर आपको फॉर एग्जांपल जी आप अकेले हैं और आपको लग रहा है कि मुझे मतलब पता नहीं काम मिल रहा है, नहीं मिलेगा या इस तरह से, तो आप ऐसे करें कि आप फ़िलहाल जो है ना एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए, जैसे कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को गाइडलाइन प्रोवाइड करती हूँ कि आप जो है जूनियर के साथ अटैच हो जाएं और जूनियर के साथ मिलके आप काम करें, ठीक है। उस तरीके से फिर ये है कि आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा, एक कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा तो डेफिनेटली आपको उसके बाद क्लाइंट्स भी मिलेंगे। तो इसके लिए जस्ट विजिबिलिटी होती है, ये सारी गेम विजिबिलिटी की होती है, आपने विजिबिलिटी बनानी होती है जिसकी बेस पे आपको काम मिल जाता है। जैसे कि ये आपने देखा कि इसमें मल्टीपल टास्क हैं, अगर एक टास्क नहीं कंप्लीट हो रहा आप दूसरे टास्क पे मूव ऑन कर लें और उस पर फुल एफर्ट दिखा दें। प्रोडक्ट हंटिंग नहीं आ रही तो सोर्सिंग पे आप कमांड हासिल कर लें, उससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो इससे देखिए बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना, और ख़ुद ही जो है ना जब आप प्लान करना शुरू हो जाते हैं तो डेफिनेटली अल्लाह पाक रास्ते आसान कर देते हैं और माइलस्टोन अचीव हो जाते हैं जब आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं। तो बी कंसिस्टेंट एंड स्टे फुल फोकस्ड ऑन योर गोल माइलस्टोन विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस एंड विदाउट फोकसिंग एनी डिस्ट्रैक्शंस। लाइक डिस्ट्रैक्शंस या हर्डल्स या बैरियर्स हम कह सकते हैं, ये लाइफ में आएंगे लेकिन आपने इनको अबूर करके आगे मूव ऑन करना है। तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है। लास्ट में एक अनाउंसमेंट प्रोवाइड करती चलूँ। एक्चुअली जैसे कि हमारे सेशंस वगैरह हम कंडक्ट करवा रहे हैं एंड राइट नाउ इंशाल्लाह हमारा बैच होलसेल बैच 9 हम स्टार्ट करेंगे, जिसकी क्लासेस इंशाल्लाह 15 दिसंबर से स्टार्ट होंगी। सो इफ़ एनी वन वॉन्ट टू जॉइन अस, दैन डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसके थ्रू मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।